सकते हैं ये है पूरी बिहारी जी की पोशाक जो आज धारण होगी, ठीक है। और ये है बिहारी जी का सबसे निज वस्त्र जिसको लंगोट बोलते हैं, ये बिहारी जी की लंगोटी है जो सबसे निज होता है ठाकुर जी के। और ये है बिहारी जी की छोटी सी टॉवल यानी छोटी सी तौलिया जिसको हम स्वाफी बोलते हैं और इसको लंगोटी बोलते हैं, कोकिल स्वाफी। ये बहुत ही सुंदर आज जो हार देख रहे हैं आप, ये आज बिहारी जी को हम धारण कराएंगे श्रृंगार पे, और फिर उसके बाद मैं लेकर जाऊंगा इसको। और ये बिहारी जी के एक और हम ब्राउज लेके आए हैं जो आज बिहारी जी को ये भी धारण कराएंगे। ये आप देख सकते हैं दो गुलदस्ते हैं, एक इधर और एक उधर, जो रखे जाते हैं ठाकुर जी की तरफ जो शोभा बढ़ाते हैं। ये आप मूल पंख का श्रृंगार देख सकते हैं पास से, ये बिहारी जी के सारा धारण होगा। इस पे राधा लिख रहा है, बिहारी बिहारी लिख रहा है, ये राधा जी और बिहारी जी दोनों को होगा। उसके साथ आप ये देख सकते हैं माला जो बिहारी जी को हम अर्पण कराएंगे पहनाएंगे, और ये आज हम प्रसादी करेंगे बांसुरी, और फिर जब आप लोग भगत आएंगे तब हम आपको सबको देंगे। हमारे पास काफ़ी सारी हैं, और ये पूरी पोशाक आप देख सकते हैं बिहारी जी की। अब इसके साथ ही हम पूजा स्टार्ट करते हैं। श्याम श्यामा तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कटे रहे दर्शन ये आप देख सकते हैं हमने फूल यहाँ अर्पण करे हैं, और ये इत्र है जो आज बिहारी जी की जिससे मालिश होगी, और उसके साथ हम आप कुंजी बारी अस्तक शुरू करेंगे बिहारी जी का। ये वो पूजा, ये वो कुंजी बारी अस्तक है बिहारी जी का जिसके बिना इनकी सारी पूजा अधूरी है, तो इसको हम शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का स्पर्श इससे कर लीजिए, और ये चढ़ा रहे हैं फूल ठाकुर जी को। ये कुछ फूल हम यहाँ चढ़ाएंगे, और बाकी ये हम बिहारी जी के अंदर जब सेवा में लगाएंगे शयन के टाइम पर। तो अब ये आपकी हमने पूजा कराई, थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद 2-5 मिनट का, उसके बाद फिर हम जब बिहारी जी आएंगे तो एक बार चरण पे आपका स्पर्श करा देंगे फूल के जरिए, दर्शन
फिर भी नहीं होंगे, लेकिन चरण स्पर्श जरूर कराएंगे जैसे हमने इंस्टाग्राम पे लास्ट टाइम कराया था। थोड़ी देर आप वेट कराइए इनको, उनकी तैयारी अलग ही आपका अनुभूति होगी आपके लिए, क्योंकि बिहारी जी का दर्शन फोटो से तो नहीं करा सकते, लेकिन इसके जरिए हम कराएंगे, तो आप स्पर्श कर सकते हो बिहारी जी को फोन के जरिए। तो आप अपने फोन को स्पर्श कर लेना, चरणों पे एक बिहारी जी के माला रख दो। हाँ राजू भैया, ये चरणों पे माला रख लेना और इसी पे हम फोन को रखेंगे। अब आप दो मिनट जो भी आपकी अर्जी हो, बिहारी जी से आपको शिकायत हो, जो भी आपको मनोकामना हो वो बोल लीजिए, फिर बंद करेंगे वीडियो को। आपको दर्शन ना देने की शिकायत हो करो है। अब आप दास सभी एक बार बोलेंगे जय बिहारी जी की, बोल वाके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री अरदास। तो हम फोन को वापस ले आते हैं और फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और माथा टेकना चाहें तो यहाँ टेक सकते हैं। श्रीमत कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और यहाँ पर ये आप माथा टेकिए जहाँ सतिये बनाए थे हमने आप लोगों की तरफ से। जितना हमसे हो सकता है इस लॉकडाउन में, जितना इस लॉकडाउन में हो सकता है हमसे, उतना हमने आपके लिए किया। और आपको अभी कुछ और भी दिखा सकते हैं हम, ये देखिए ये बिहारी जी का भोग है जो लग चुका है, लग गया, हाँ ये भोग भी लग गया, लग गया लग गया। ये बिहारी जी का प्रसाद, जो भी सेवा चल रही है वो पूरी तरह से वैसे ही चल रही है जैसे सुचारू रूप से पहले थी, उसमें कोई कमी नहीं है। ये बिहारी जी के बर्तन हैं, ये बिहारी जी पहले ठंडाई पीते हैं स्नान करने के बाद, ये रबड़ी का भोग बिहारी जी के लिए, और ये आप यहाँ पे जो आपने देखा ये श्रृंगार और बिहारी जी का ये सारा प्रसाद है। इसी के साथ आपको फिर से एक बार मंदिर के हम दर्शन करा देते हैं। ये कोरोना का वो लग रहा है बैनर, पूरा खाली पड़ा है, भक्तों की कमी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्रभु की इच्छा, हो सकता है प्रभु किसी चीज़ से नाराज़ हो भक्तों से, और वैसे तो नेचर खुद अपने आप को इस वक्त बना रहा है, रिजुमिनेट कर रहा है। तो बाकी प्यारी लाल की जय जय बिहारी।